दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। डीयू के स्टूडेंट के साथ किस तरह किया जा रहा है भेदभाव और कैंपस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। स्टूडेंट का आरोप है कि सिर्फ उसे ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और उसको लेकर स्टूडेंट गेट पर ही बैठ गया है। यह मामला साउथ कैंपस का है जहां एक पीएचडी के स्टूडेंट का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उसके साथ भेदभाव कर रहा है और वो थोड़ी देर के लिए कैंपस के बाहर वॉक करने के लिए निकला तो उसे फिर कैंपस के अंदर नहीं घुसने दिया गया, जबकि और स्टूडेंट कैंपस के अंदर बाहर आ रहे थे और जा रहे थे। मेरा नाम खेमचंद है, दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। ठीक है, मैं रेगुलरली लाइब्रेरी यूज करता हूँ, पढ़ता हूँ, 10 घंटे अपने यहाँ बिताता हूँ। ठीक है, इनका कहना ये है कि अगर आप यहाँ से कैंपस से एक बार बाहर चले जाएंगे तो आप दोबारा अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, और पिछले 2-2.5 महीने से मैं डेली रेगुलर शाम को आता हूँ आधा घंटा इवनिंग वॉक करने के लिए। ठीक है, आधा घंटा डेली इवनिंग वॉक करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये लोग इतना तानाशाही हो गए हैं कि इन लोगों ने साफ कह दिया है कि आप अंदर नहीं आ सकते। भैया आप रिटर्न में दे दीजिए। ठीक है, आप रिटर्न में देंगे तो हम मान लेंगे। ठीक है, आप ना रिटर्न में दे रहे हैं ना आप लिखित रूप से दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। 10 घंटे आप अंदर बैठिए, आप 10 घंटे आप अंदर बैठिए। ठीक है, 10 घंटे आप अंदर बैठेंगे और लेकिन जब कैंपस से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप अंदर नहीं आ सकते, ये इनका कहना है। अरे भैया हमारा कैंपस है, हम अंदर पूरा दिन पढ़ते हैं। ठीक है, शांत हो जाएंगे। ठीक है, आपसे निवेदन है कि इस चीज को खुलवाइए, ना नोटिस है ना कुछ है। बिना नोटिस के इन्होंने मेरे पर्टिकुलर मुझे टारगेट किया है, ये कह के कि आप अंदर कैंपस नहीं आ सकते, बाकी दुनिया आ जा रही है, सब आ जा रहे हैं, लेकिन मुझे लिए गेट बंद करके बंद कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अंदर नहीं आ सकते आप। जोमेटो स्विगी पूरा फूड डिलीवर हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सब कुछ आ रहा है, ये कह के मुझे बाहर बैठा दिया है कि आप अंदर नहीं आ सकते। जोमेटो वाले तो जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि मैं इसको पर्टिकुलरली 4,000 जो टीचर्स एसोसिएशन है मैं इस ग्रुप में डालूंगा और आप सभी छात्रों का धन्यवाद कि मैं पीएचडी स्कॉलर ड्यू का 10 घंटे में लाइब्रेरी यूज करता हूँ पूरी। ठीक है, उसके बावजूद ही मुझे इसको अंदर आने से रोका गया, गेट बंद कर दिया तानाशाही रवैये से, जो कि परिपूर्ण रूप से छात्र के अधिकारों का हनन है। आप ये आज मेरे साथ है, कल किसी और छात्र के भी साथ हो सकता है, किसी और टीचर के साथ भी हो सकता है। तो आपसे निवेदन है, पीसी जोशी जी से जो वाइस चांसलर है ड्यू के, आपसे निवेदन है कि कृपा करके इस मुद्दे को खुलवाइए। ठीक है, पूरा कैंपस इन्होंने अपनी तरह से बना रखा है, तो आपसे निवेदन है कि कृपा करके इस पे फोकस कीजिए। और पूरा एकदम गड़बड़ खड़ कर रखा है। अरे 2 महीने से हम डेली आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं थी, आज अचानक गेट बंद कर दिया बैठ के। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को मैं टीचर्स एसोसिएशन में सब जगह लागू करूंगा, डालूंगा, ये मेरे अधिकार की बात है, कोई ना सुनने वाला है। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इनकी भी तो गलती नहीं है, ठीक है, कोई मिला होगा।